ये दो अलग अलग तरह की जगहें हैं, गुप्तकाशी और तपोवन। तपोवन में हो सकता है कि ज्यादा ऊंचाई में होने के कारण आपका सिर चकराने लगा। इस जगह को बहुत से दिव्य महापुरुषों की कृपा प्राप्त हुई है। वो जहां भी जाते हैं वहां अपने अंडे छोड़ देते हैं, यही उनके जीने का तरीका है। अब अगर आप अपने अंडे मुंबई या न्यूयॉर्क सिटी या कहीं और छोड़ते हैं तो लोग उसे कुचल कर चल देंगे, क्योंकि उनमें यह पहचानने की क्षमता नहीं होगी कि वहां क्या छोड़ा गया है। तो योगी भी ऐसे लोग जिन पर एक ऐसे आयाम को संभालने का सौभाग्य और बोझ होता है जो आम लोगों के अनुभव में नहीं है, वे जहां भी उठते बैठते हैं वे अपने अंडे छोड़ देते हैं। लेकिन वे हमेशा पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? कुछ स्थान पवित्र स्थानों के रूप में इसलिए चिन्हित किए जाते हैं ताकि वहां वे अंडे कुचले न जाएं, बल्कि उनका अनुभव किया जाए और उपयोग किया जाए ताकि उनसे कुछ उड़ निकले। तो वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं। तपोवन ऐसा ही एक पक्षियों का घोंसला रहा जिसमें अनेक योगियों ने अंडे देना चुना, लेकिन अंडों का सबसे बड़ा संग्रह शायद केदारनाथ में है। केदार में हर तरह की पक्षियों ने अपने अंडे दिए हैं और वे सब आपस में घुल मिल गए। तो अगर आपको एक खास तरह से दीक्षा दी गई है तो आप अनुभव के एक खास आयाम के प्रति खुल जाते हैं। वहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके प्रति अभी आप खुले नहीं हैं, लेकिन अगर आपको एक खास तरह से दीक्षित किया जाए तो आप उस आयाम के प्रति खुल जाते हैं। भारत में मंदिर बनाने का आधार भी बस यही है। वहां एक खास तरह का अंडा दिया गया है और आपको एक खास तरह से उस तक अपनी पहुंच बनानी है। हर देवता के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है ताकि आप उस आयाम का अनुभव कर सकें। गुप्त काशी पूरी तरह से अगस्त्य मुनि के काम करने के तरीके पर आधारित है, जो कि विशुद्ध क्रिया है, 100% ऊर्जा का कार्य, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं, ये 100% ऊर्जा का काम है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं बस यही जानता हूँ, मैं जीवन को एक से दूसरे आयाम में रूपांतरित कर सकता हूँ बस ऊर्जा के आधार पर। मैं कोई मंत्र नहीं जानता, कोई अनुष्ठान नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। Without any ritual, किसी भी अनुष्ठान के बिना बस ऊर्जा को एक से दूसरे आयाम में रूपांतरित कर दिया जाता है। काशी पवित्र नगरियों में भी सबसे पवित्र है। ये ज्ञान प्राप्ति की प्राचीनतम नगरियों में से एक रही है। ये वो स्थान था जहां कभी एक साथ सैकड़ों प्रबुद्ध महापुरुष रहा करते थे। आप किसी भी सड़क में जाएं, आपकी भेंट वहां एक ज्ञानोदित महापुरुष से हो जाती। तो इस संस्कृति में ये परंपरा बन गई, अगर आप मरना चाहें तो आपको काशी में मरना चाहिए। काशी में मरते हैं तो मोक्ष मिलने की गारंटी है, क्योंकि वहां इतने सारे प्रबुद्ध जन रहते हैं। वे हर रोज गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। आप बस उनके दर्शन कर लीजिए। जब वो देखेंगे कि आपका समय निकट है तो वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे और आप पार हो जाएंगे। इसलिए आज भी यही माना जाता है कि एक उम्र होने के बाद लोग काशी चले जाते हैं और वहां मरने का इंतजार करते हैं। ऐसी परंपरा इसलिए बनी है क्योंकि हर पीढ़ी ने काशी में सैकड़ों प्रबुद्ध महापुरुषों को रहते देखा और ये स्थान ज्ञान प्राप्ति का महानतम स्थान बन गया। तो काशी का मतलब है कि यह पवित्रों में भी पवित्र है, तो वो मुख्य काशी है। आज सुबह हम जहां से निकले वो उत्तर काशी है। उत्तर काशी का मतलब है उत्तरी काशी। उस दिन हम केदार के बाद जहां गए थे वो गुप्त काशी है, यानी किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इन सभी काशियों में बहुत शक्तिशाली लिंग हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं। Which are referred to as ज्योतिर्लिंगस। ये स्वयंभू हैं, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये खुद अपने आप बने। ये धरती से लिंग के रूप में बाहर निकले, लोगों ने इन्हें पहचाना और इनके ऊपर जरूरी काम करके इन्हें बहुत शक्तिशाली बना दिया।